हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है उसके बाद का ब्लॉग, जब हम मिट्टी लेके आए थे। तो मिट्टी लेने के बाद हम आ गए थे घर, तो हम बनाने वाले थे यहाँ पे चूल्हा। तो आज इस वीडियो में आप देखोगे कि हमने किस तरीके से मिट्टी का चूल्हा बनाया। तो पूरी वीडियो देखें अंत तक, पूरा ब्लॉग में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ चूल्हे का। तो गाइस, हम आ गए थे मिट्टी लेके। एक रिट लेकर आया अपने टॉय। वाह, तो एक रिट बंदूक लेकर आया है। किसको मारोगे सर? किसी को भी मार। गाइस ये गाइस ये ऐसे कार्ड है। अब जैसे आपको इस पे कुछ वो रोशनी नहीं दिख रही ना, अब देखो ये जितने भी कार्ड है ये सब है। एक मिनट रुको, मैं बैक करता हूँ, फिक्रित बताए। ये जितने भी कार्ड है ना, ये जितने भी ऐसे कार्ड है ये सब रोशनी वाले हैं। अब मैं आपको सब दिखाऊंगा। जैसे ये इस पे आपको कोई रोशनी नहीं दिख रही ना, अब मैं आपको रोशनी दिखाता हूँ इन कार्डों की। मैंने दुकान से लिए थे। देखो अब मैं कुछ नहीं दिख रहा, देखो कुछ दिख रहा है ना रोशनी। अब इसमें देखो, इसमें भी रोशनी दिख रही है, इसमें भी रोशनी दिख रही है, इसमें भी रोशनी दिख रही है। अच्छे से दिखाओ, कहीं नहीं दिखा। और इसमें भी रोशनी दिख रही है, देखो। और इसमें भी। और क्या लाया गाइस? और ये मैं स्क्रैच बुक लाया हूँ। आपको चाहिए तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली दुकान पे चले जाओ। और ये जैसे ये है कुछ कुछ भी नहीं है ना। मैं देखो पेंसिल चलाऊंगा, एक अलग अलग कलर होता रहेगा। अरे वाह, ये तो मैजिक है। ये चाइना में बनी है, देखिए गाइस। चाइना का माल क्यों यूज करते हो आप? मेड इन चाइना। और ये कार्ड भी चाइना में बना है, ये भी चाइना में बनी है। तो आप चाइना का माल क्यों यूज करते हो फिर? इंडिया का क्यों नहीं करते? इंडिया की मुझे चीज पसंद ही नहीं आती है। पसंद नहीं आती? मुझे तो ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया। तो इंडिया की चीजें ने अभी पसंद नहीं आ रही हैं। टॉयज के मामले में भी इंडिया थोड़ा सा और मेहनत करे। इंडिया में रहे, चाइना से इधर लोड एक ट्रक में लोड होके आते हैं ये सब। तो अभी इंडिया को थोड़े से टॉयज के मामले में थोड़ी तरक्की करनी पड़ेगी, बच्चों को पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी दिखाते नानी क्या कर रही है। मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया वालों को। हाँ, क्या करने के लिए? जरूरी ठीक है। तो हम मिट्टी लेके आए थे गाइस, अभी ये मिट्टी डलवा रही हूं। तो अभी ये मिट्टी, इकरित भी आ गए हेल्प करने के लिए। तो अभी हम ये इतनी सारी मिट्टी लेके आए थे। अब इस मिट्टी मम्मी ये पानी में फुला रही है इस मिट्टी को। जब ये फूल जाएगी तो मिट्टी कभी फूलती है? मिट्टी फूलती है, पूरी फूलती है। मिट्टी भी फूलती है? नहीं, कभी ना फूलती। मैंने देखी नहीं कभी। अभी देखना, ये फूल जाएगी। गाइस हम ऐसे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं, और मम्मी भी बहुत बोलती है, मेरे से 10 गुना बहुत बोलते हैं। तेरे चूल्हा बनाएंगे? अब बनाओगे? गाइस मुझे आता है बहुत। जब मैं 1 साल का था, 1 साल का बनाने लग गया था चूल्हा। हाँ। कौन सा चूल्हा बनाया था 1 साल का आपने? वो जिस पे लिखा हो बेबी वाला खाना। गाइस ये झूठ। चाटू डुडू डुडू बेबी चाट लेकर। तो गाइस मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा। कभी भी आऊंगा तो अपनी राइटिंग ले जाऊंगा, पर वो बेड के नीचे है वो राइटिंग मेरी। तो गाइस ये झूठ बोल रहा है। मुझे बस खाना और ये पूरी मिट्टी फुला दी। अभी जब इसमें चूल्हा बनाया जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं डालूंगा। क्या है? गॉड प्रॉमिस भगवान की सभी उनकी है। आपको कैसे पता? आपने देखा तो मैंने। हाँ, मैंने देखा था, मुझे मिल गई थी। गलती से हाथ लग गया और मैंने ध्यान नहीं दिया और गिर गई। ये उधर की है। ठीक है, देखते हैं।
ये मिट्टी में खेलते हुए कैसे कीचड़ है बहुत गंदी। मैं कभी हाथ मत देना, हाथ कट जाएगा। तू कैसे ले आया फिर यहाँ ऊपर को? ये थोड़ी लाया मम्मी, मेरा हाथ गिर गया था। घर की हालत देख सकते हो, कितने कैसी कर दी है, पूरे में मिट्टी मिट्टी कर दी है इसने। बैड बॉय, ये बैड बॉय। बैड बॉय को आप पद्दो दिख गया आपके। बस बस बस, तभी हम जा रहे हैं ऊपर, मम्मी बनाने वाली है अभी चूल्हा। गाइस मैं भी बनवाऊंगा। क्या बनवाओगे? मिट्टी का चूल्हा। चलो चलो वैसे कृत खड़े हुए हैं। नहीं ये मत करो। तो मैं पानी लेके आया हूँ, इन्हें बीच बीच में प्यास लगती है। फिर नीचे भी जाऊंगा, फिर मैं नीचे भी जाऊंगा, इसलिए मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। गाइस आप इन्हें मेरे से मंगवाया है, 7 साल के बच्चे से मंगवाते हैं सामान, फिर नहीं आती है। मैंने ये नहीं मंगवाया था आपसे, ईंट मंगवाई थी उधर से पीछे से। हाँ वो रखिए, वहाँ रखिए, उधर रखिए पीछे। करवा दो, हैंड वॉश कहाँ करोगे? नीचे कर लूंगा, पागलपंती कर। तो गाइस ये चूल्हा बनना स्टार्ट हो चुका है। गाइस क्या गाइस, मम्मी और हम, गाइस हम मम्मी और हम ऐसे बैठे हैं। तो ये कृत नहीं मान रहा, ये परेशान कर रहा है यहाँ पे। हम ऐसे बैठे हैं जैसे गांव में बाथरूम होता है, ऐसे बैठे हैं। गांव में कैसा बाथरूम होता है? ऐसे वाला। तो यहाँ नहीं होता वो? यहाँ ना होता। तो मम्मी ने एक एक ईंट पहले जमा दी थी, ये वाली। अभी ये एक और ईंट की कमी पड़ रही है, मैं लेके आता हूँ। आपसे नहीं खुलेगा वो, हटो। नहीं गाइस देख लो, ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया चूल्हा हमारा। बहुत सुंदर लग रहा है ये चूल्हा, जुगाड़ चीजों से बना हुआ। मिट्टी नहीं है, जो चूल्हे वाली होती है चिकनी मिट्टी। बहुत ढूंढने के बाद ये मिट्टी मिली थी, उसके बाद ही हमने बनाया है, बट फाइनली बन गया। अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे पत्थर है यहाँ। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। ये नीचे लोहे की परात है, उसके अंदर मिट्टी भरी थी, फिर ये ईंट खड़ी करी है, उसके बाद ऊपर से मिट्टी लगाई है। ये मजबूत बन जाएगा, ऊपर से इसकी लिपाई करेंगे। कृत पहुंच गया पार्क में, ये पार्क में चला रहा है साइकिल, मम्मी की चप्पलें पहन के गया ये।
देखो उधर अटका हुआ है, ये आ गया। ये बहुत तेज साइकिल चलाता है, ये देख सकते हो वो चला रहा। ये बहुत तेज साइकिल चलाता है, खड़ा होकर साइकिल को चलाता है, ये देखो। और मम्मी बना रही है यहाँ पे ये चूल्हा, अभी ये चूल्हा ऑलमोस्ट बन गया है, अब इसकी लिपाई पुताई हो रही है। चूल्हा पुत जाएगा, बन गया। तो हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, ये चूल्हा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया, अभी इसकी फिनिशिंग चल रही है, अभी इसमें फिनिशिंग की जा रही है, बाकी तो ये सब तैयारी हो चुकी है, इसकी ऑलमोस्ट बन गया। मैं बैक करके कैमरे से आपको दिखाता हूँ, अभी इस पर फिनिशिंग कर रही है मम्मी, ये ऑलमोस्ट बन गया है, अभी मम्मी इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देती है, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये फाइनली बन गया चूल्हा, अभी हम ये सूखने के लिए छोड़ देंगे, अब शाम को देखेंगे कि इसमें क्या बनाते हैं, शाम को इसका उद्घाटन करेंगे। अब तो गाइस देख सकते हो आप, ये कृत क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे टीवी देख रहा था, देखो देखो ये पूरे टीवी पर कपड़ा डालने पे लगा हुआ है, देखो देखो ये इस, देखो इसने पीछे पहुंचा दिया सब। इसकी बदतमीजी आप देख सकते हो, ये कितना परेशान कर रहा है मेरे को यहाँ पे। तो गाइस मैंने नहा लिया था थोड़ी देर रेस्ट, तो अभी मम्मी ने नहा लिया है, तो मम्मी रेस्ट कर रही है, इधर मम्मी का चल रहा है फेवरेट शो अनुपमा, तो मम्मी अनुपमा देख रही है, बट तब तक मैं देख के आता हूँ कि ऊपर जो चूल्हा हमने बनाया था उस वो किस कंडीशन में है अभी, तो मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर, देखता हूँ। नीचे चल रही है पार्क में सफाई, साफ सफाई हो रही है पार्क की, तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर और देखता हूँ कि चूल्हा कैसा है, क्या कंडीशन अभी चूल्हे की। ये रहा हमारा चूल्हा, तो अभी सूखा तो नहीं है ये प्रॉपर, बट हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सूख गया है, देखते हैं अगर इवनिंग तक ये पूरा सूख जाता है तो इस पे हम खाना बनाने वाले हैं आज। जो मिट्टी बची हुई थी वो मम्मी ने ऐसे रख दी इसमें, तो अभी तो थोड़ा बचा हुआ है, तो देखते हैं इसको इवनिंग में, अगर ये प्रॉपर सूख जाता है तो फिर इसी पे खाना बनने वाला है आज। मम्मी ने यहाँ सारे कपड़े भी धो के डाल दिए हैं, मम्मी नहाई थी फिर उसके बाद सारे जो भी कपड़े थे वो धो के यहाँ पे डाल दिए थे, तो अभी चलते हैं नीचे, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। तो गाइस मुझे लगी थी भूख, अभी मैं आ गया हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया था, रात की सुबह की जो स्टफिंग बची थी उससे, तो अभी मैंने खुद से बनाया पराठा, अभी मैं जाऊँगा ये पराठा खाऊंगा, ये मैं इसको अच्छे से सेक लेता हूँ, ये बन रहा है मेरा, तो ये मेरा पराठा बन रहा है, मैं सेक लेता हूँ अच्छे से दोनों तरफ से, फिर मैं इसको खाऊंगा। तो मेरा पराठा बन गया, अभी मैं लेके आया हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ पराठा मम्मी के साथ, मैं भी अनुपमा देख लेता हूँ। गाइस मैंने अपना पराठा ख़त्म कर लिया है, अब मैंने नीचे आके देखा था तो यहाँ पे देखो आई थिंक यहाँ पे जागरण होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सामान उतारा जा रहा है, आई थिंक यहाँ पे जागरण होने वाला है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। भी पता लगा है, जैसे मुझे लग रहा था यहाँ पे जागरण होने वाला है,
तो आज मुझे पता लगा है कि यहाँ पे भागवत होने वाली है, तो मैं आपको दिखाया करूँगा रोज भागवत। तो गाइज अभी मम्मी ने यहाँ पे काटे हैं करेले, ये करेले काट के मम्मी ने छील के यहाँ पे रख दिए हैं, और मम्मी ने मेथी भी काटी है जो कि दरांत से काटी है, तो जो कि हम सुबह नाश्ते में यूज़ करेंगे, करेले हम कल बनाने वाले हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो हमारे ब्लॉग देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।